Let's start balancing this reaction. MnO2 giving you Mn or negative. Definitely a reaction pani chahiye. Kyunki idhar Mn plus 4 par hai aur yaha Mn plus 7 par ja raha hai. Mn का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो रिडक्शन किसका हो रहा होगा? Mn का यदि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन होगा इस H2O2 के इस परऑक्साइड का. H2O2 में ऑक्सीजन परऑक्साइड में है और यह -2 में जा रहा है, वाटर बन के जा रहा है. H2O2 इज गिविंग यू H2O. इसे हमें बेसिक मीडियम में इन दोनों रिएक्शन को बैलेंस करना है. ये दोनों हाफ रिएक्शन होंगी. Mn बैलेंस है, दो ऑक्सीजन चार ऑक्सीजन. इधर दो ऑक्सीजन ज्यादा है, इधर यदि दो ऑक्सीजन ज्यादा है तो मैं इधर दो वाटर मॉलिक्यूल्स जोड़ूंगा. इधर दो ऑक्सीजन यदि ज्यादा है तो इधर मैं दो वाटर मॉलिक्यूल जोड़ूंगा. यह दो वाटर मॉलिक्यूल दो ऑक्सीजन के साथ में इधर चार OH नेगेटिव. बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करने का यह तरीका है. अब चार्ज को बैलेंस करता हूं. इधर 4 नेगेटिव चार्ज है, इधर सिंगल नेगेटिव चार्ज है, तो डेफिनेटली इधर 3 इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे होंगे. इस तरह से यह पहली रिएक्शन बैलेंस हो गई. अब H2O2 इज गिविंग यू H2. इसे बैलेंस करता हूं. हाइड्रोजन को मुझे बैलेंस देख रहा है, एक ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया है. एक ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इधर एक ऑक्सीजन ज्यादा है तो इधर एक वाटर मॉलिक्यूल डाल दी जाए, इधर दो चार्ज बैलेंस करने के लिए इधर नेट चार्ज 0, इधर 2 इलेक्ट्रॉन. इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल होते हुए देखेंगे. और अब यह रिएक्शन मुझको बैलेंस होती हुई दिख रही है. यह H2O भी मुझे एक तरीके से कैंसिल दिखाएगा. अब मैं लिखूंगा twice MnO2 plus thrice H2O2 hydroxyl ion. देख लो कहां पर कितने दिख रहे हैं, 2 × 4 = 8 और 3 × 2 = 6, तो दो hydroxyl ion reactant side ज्यादा, 2 hydroxyl ion giving you twice MnO4 negative plus H2O. देख लो 2 × 2 = 4, 4 H2O. रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस हो चुकी है. बेसिक मीडियम में हमने इस रिएक्शन को बैलेंस कर दिया है. इसके बाद अब हम फिफ्थ रिएक्शन को बैलेंस करेंगे. एंड इट्स दिस. आयोडाइड प्लस H2O2 गिविंग यू H2O प्लस आयोडीन. Start balancing this reaction by oxidation state method. Oxidation state method से हमें इस reaction को balance करना. Iodine -1 से 0 पर जा रहा है, iodine oxidized हो रहा है,
एंड द रिड्यूस्ड इस प्रेशर जो रिड्यूस होता हुआ देखिएगा वो H2O2 गिविंग यू H2 यह -1 से 0 पर जा रहा है और यह -1 से -2 पर जा रहा है। इसी समय फिफ्थ रिएक्शन को बैलेंस कीजिए, फिफ्थ यदि हो जाए तो सिक्स्थ को बैलेंस कीजिए। अब आप तेजी से ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से आगे आगे रहते हुए रिएक्शन को बैलेंस कीजिए, शायद मेरी स्पीड धीमी पड़ जाए मगर आपको तेजी से करना चाहिए। चलिए इस रिएक्शन को बैलेंस करके दिखाते हैं। आयोडाइड गिविंग यू H2O2 प्लस H2O Ni2। आयोडाइड गिविंग यू I2 टू आयोडाइड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और H2O2 giving you H2O। इधर ऑलरेडी हाइड्रोजन बैलेंस है, इधर भी H2, इधर भी H2। एक ऑक्सीजन इधर है और इधर दो ऑक्सीजन है, मतलब इधर एक ऑक्सीजन ज्यादा है। एक ऑक्सीजन को ज्यादा देखकर एसिडिक मीडियम में जब मैं बैलेंस करूंगा तो इधर 2H+ डालूंगा, 2H+ एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके एक H2O दे देगा। चार्ज बैलेंस करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन, अब मैं सिंपली ऐड कर देता हूं, दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल और यह रिएक्शन बैलेंस हो गई H2O2 प्लस ट्वाइस आयोडाइड प्लस 2H+ गिविंग यू I2 प्लस ट्वाइस H2O। दिस इज द रिएक्शन बैलेंस इन एसिडिक मीडियम। तेजी से सिक्स्थ, सेवेंथ और एट्थ इन रिएक्शन को बैलेंस कीजिए। नाउ स्टार्ट बैलेंसिंग दिस सिक्स्थ रिएक्शन। कॉपर आयन प्लस आयोडाइड आयन गिविंग यू CO प्लस एंड I2। इस रिएक्शन के बैलेंस हो जाने के बाद फिर यह रिएक्शन भी बैलेंस कीजिए, सिक्स्थ रिएक्शन CuO प्लस अमोनिया गिविंग यू CO प्लस N2 प्लस H2। दोनों रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। चलिए इसके बाद हम यह रिएक्शन बैलेंस कर देते हैं एंड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की जो प्रैक्टिस उनको करानी जो बताना है वो हो गया। इसके बाद इसी समय फिफ्थ प्रॉब्लम में जो 10 रिएक्शन है और सिक्स्थ प्रॉब्लम में जो 6 रिएक्शन है इनको अभी हम क्लास में करेंगे। तेजी से आप लोग करते जाइए और अब ये मत वेट कीजिए कि मैं कराऊंगा उसके बाद आप करेंगे, आप स्वयं तेजी से आगे बढ़ते जाइए और देखिए कि आप कितने रिएक्शंस को स्वयं से बैलेंस कर पाते। यू मे अडॉप्ट एनी मेथड, यू मे एम्प्लॉय एनी मेथड यू विश, ठीक है ना। मैं इसको बैलेंस कर देता हूं, फिर उसके बाद में फिफ्थ और सिक्स्थ रिएक्शन, फिफ्थ और सिक्स्थ प्रॉब्लम में। फिफ्थ में देर आर 10 रिएक्शंस और सिक्स्थ में भी देर आर 6 रिएक्शंस, इन सभी को आपको अभी क्लास में पूरा बैलेंस करना है। अच्छा एक और बात इधर मैं बता दूं, इट्स नॉट लाइक कि रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन स्टेट से ही मेथड से ही बैलेंस कर सकते हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से ही बैलेंस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। यू मे एम्प्लॉय, यू मे अडॉप्ट एनी मेथड, ऑल द रिएक्शंस कुड बी बैलेंस्ड बाय एनी वन ऑफ द टू मेथड। आप रिएक्शन को चाहे तो ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से बैलेंस कर ले, चाहे तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस कर ले। यदि एग्जामिनेशन में बिल्कुल स्पेसिफिकली लिखते हैं कि बैलेंस दिस रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड तो आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ही लगाइए, और यदि एग्जामिनेशन में लिखा है बैलेंस दिस रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड लगाइए। मगर एग्जामिनेशन में कोई मेथड स्पेसिफाई नहीं करा है, सिंपली यह लिखा है कि बैलेंस दिस रिएक्शन, देन यू आर फ्री टू अप्लाई एनी मेथड। आपको जो मेथड कंफर्टेबल लग रहा है, आपको जो मेथड सही लग रहा है, आपको जिससे अच्छी प्रैक्टिस हो गई है, आप तो उससे बैलेंस कीजिए। मैं इस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से ही बैलेंस करके दिखा देता हूं। सबसे पहले H2SO3 इज गिविंग यू H2SO4, H2SO3
is giving you H2SO4 and Cr2O72 negative is giving you Cr3+. अब देखिए हाई H2S H2S बैलेंस है, तीन ऑक्सीजन चार ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन इधर ज्यादा, एक ऑक्सीजन ज्यादा देखकर मैं दो H प्लस इधर डालता हूं, दो H प्लस प्लस वन ऑक्सीजन गिविंग यू H2O, चार्ज बैलेंस करने के लिए इधर दो इलेक्ट्रॉन क्योंकि दो पॉजिटिव चार्ज Cr2O7 तो दो क्रोमियम में इसलिए इधर 2Cr3+. अब इधर सात ऑक्सीजन है, सात ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इधर मैं 14H+ डालता हूं, 14H+ प्लस 7 ऑक्सीजन गिविंग यू 7H2. अब चार्ज बैलेंस करता हूं, इधर 6 पॉजिटिव चार्ज और इधर 14 पॉजिटिव प्लस 2 नेगेटिव, इधर 12 पॉजिटिव चार्ज, रिएक्टेंट साइड 12 पॉजिटिव चार्ज है, प्रोडक्ट साइड 6 पॉजिटिव चार्ज, इधर 12 पॉजिटिव और इधर 6 पॉजिटिव, तो डेफिनेटली इधर 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करे जाने चाहिए. और अब इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करने के लिए मैं पहले रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए और यह रिएक्शन एसिडिक मीडियम में अब मुझको बैलेंस होती हुई दिख जाएगी, 3H2SO3+ Cr2O72 negative plus. अब H2O को बैलेंस, पहले H40 को बैलेंस कर लेता हूं, 14H40 में इधर 6H40 में, तो 8H पॉजिटिव डाल देंगे गिविंग यू 3H2SO4 प्लस 2Cr3+ प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स को बैलेंस करने के लिए सहाय है और 3 4H2O. दिस वाज कंप्लीटली बैलेंस्ड रिएक्शन. अब तेजी से आप इसके बाद वाला जो प्रॉब्लम है, बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन एसिडिक मीडियम, इसको तेजी से कीजिए. इसमें 10 रिएक्शन दी हुई है और राइट, और यह देखिए कि आप कितने रिएक्शंस को कितने समय में बैलेंस कर पाते. यह 10 रिएक्शन देता हूं और आधे घंटे का समय देता हूं. हम यह देखेंगे कि इस आधे घंटे में कितनी रिएक्शंस और कितने लोग बैलेंस कर पाते हैं. इसके बाद में तेजी से सभी को बताओ, हाजी ब्रेक, चलो 5 मिनट का ब्रेक ले लो. मैंने आपको 10 रिएक्शन दी थी और आधे घंटे का समय दिया था, मींस ऑन एन एवरेज एक एक रिएक्शन के लिए मैंने 3 मिनट का समय दिया था. देखिए, देयर इज नो नीड कि आप रिएक्शन को बैलेंस उसी ऑर्डर में करें जिस ऑर्डर में वो लिखी गई है. मैंने आपको 45 मिनट का समय दिया है, 10 रिएक्शन दिए हैं, आपको जल्द से जल्द अधिक से अधिक रिएक्शन बैलेंस करना है, तो क्यों ना आप सबसे पहले सबसे आसान रिएक्शन उठा के उसको बैलेंस करो, फिर आसान आसान वाली रिएक्शन पहले बैलेंस कर लो, जहां जहां डाउट आ रहा है वहां फटाफट उसको छोड़ो और आगे बढ़ो. लिमिटेड टाइम है, काम ज्यादा है, ट्राई टू ऑप्टिमाइज द टाइम. Additional time is also finished. जितने भी reaction balance कर पायो, in fact, if you are able to balance all the 10 reactions within this time limit, तो ठीक है. अगर आप जितने कम reaction balance कर पा रहे हो, जितना अधिक आपको समय लग रहा है, मतलब आपको उतना ही अधिक improve करना है. Concept logic सारे बताए जा चुके हैं. अब anyway. जिन रिएक्शंस को आप पहले बैलेंस करवाना चाहते हो उन रिएक्शंस को बोल दो. आई थिंक बी रिएक्शन की डिमांड सबसे पहले आई थी, इसको सबसे पहले बैलेंस करता हूं. KClO3 प्लस H2SO4 गिव्स यू KHSO4 प्लस
ClO4 plus ClO2 plus H2O. यह रिएक्शन बी पार्ट. सबसे पहले whoever had asked this, इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? इस रिएक्शन को हम इंटरमॉलिकुलर रेडॉक्स कहेंगे, इंट्रा मॉलिकुलर रेडॉक्स कहेंगे या डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहेंगे? किस तरह की रिएक्शन यह कहलाएगी? आप इसमें एक बात देखिए, क्लोरीन जो प्लस 5 पर है, यह क्लोरीन ही प्लस 7 पर जा रहा है और प्लस 4 पर जा रहा है. क्लोरीन ही इस जगह पर ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, क्लोरीन ही रिड्यूस भी हो रहा है. नाउ हम किस मेथड से बैलेंस करें? चलिए हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से ही इसको बैलेंस करते हैं, शायद ऑक्सीडेशन स्टेज से इजी होगा. डिफिकल्ट वाला मेथड लेते हैं, सॉरी हम ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से बैलेंस करते हैं. इलेक्ट्रॉन हम जिस मेथड से चाहे उससे बैलेंस कर सकते. लेट अस टेक ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड, जो मैं आज में प्रैक्टिस करा रहा हूं, इसी मेथड को ले लेता हूं. KClO3 गिविंग यू HClO4. हम हाफ रिएक्शन इस तरह से लिखते हैं, KClO3 giving you HClO4. और दूसरी रिएक्शन में हम लिखेंगे KClO3 giving you ClO2. ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में KClO3 से ही हमें HClO4 मिल रहा है और KClO3 से ही हमें ClO2 मिल रहा है. अब ClCl पहली हाफ रिएक्शन को बैलेंस करते हैं. ClCl बराबर है, इधर एक K है जिसको मैं इधर K पॉजिटिव के रूप में डाल देता हूं, क्योंकि प्रोडक्ट में पोटेशियम K पॉजिटिव के रूप में हमें दिखाई दे रहा है और हम लिख सकते हैं. अब मैं हाइड्रोजन को बैलेंस करता हूं, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इधर एक H पॉजिटिव डाल देता हूं, इधर एक हाइड्रोजन है इसको बैलेंस करने के लिए H पॉजिटिव. अब ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड ऑक्सीजन, क्लोरीन बैलेंस कर दिया, पोटेशियम बैलेंस कर दिया, हाइड्रोजन बैलेंस कर दिया, अनबैलेंस्ड ऑक्सीजन देखता हूं, इधर तीन ऑक्सीजन है, इधर चार ऑक्सीजन, इधर एक ऑक्सीजन ज्यादा है. इस एक ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैं इधर दो H पॉजिटिव डालता हूं, दो H पॉजिटिव एक ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करके इधर एक H2O दे देंगे. इस तरह से मैंने पोटेशियम हाइड्रोजन क्लोरीन ऑक्सीजन ये सब कुछ बैलेंस कर दिए हाफ रिएक्शन में. अब चार्ज बैलेंस करना बाकी है, इधर एक पॉजिटिव चार्ज है जबकि इधर है थ्री पॉजिटिव चार्ज. थ्री पॉजिटिव चार्ज के साथ में दो इलेक्ट्रॉन यदि ऐड कर दूं तो एक पॉजिटिव चार्ज बैलेंस हो जाएगा, चार्ज भी बैलेंस हो गया. इस तरह से मैंने यह हाफ रिएक्शन बैलेंस कर दी ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से. अब दूसरी हाफ रिएक्शन बैलेंस करता हूं, KClO3 giving you ClO2. तो क्लोरीन क्लोरीन तो बराबर है ही, पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए मैं इधर एक K पॉजिटिव डाल देता हूं, बैलेंस बैलेंस हो गए. तीन ऑक्सीजन इधर है, दो ऑक्सीजन इधर है, इन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए एक ऑक्सीजन इधर ज्यादा है इसलिए इधर दो H पॉजिटिव डालता हूं, दो H पॉजिटिव एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इधर एक वाटर मॉलिक्यूल. अब चार्ज बैलेंस करने की बारी है, पोटेशियम बैलेंस, क्लोरीन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, इधर एक पॉजिटिव चार्ज है, इधर दो पॉजिटिव चार्ज है, तो इधर एक इलेक्ट्रॉन मुझे ऐड कर देना चाहिए. इस तरह से सेकेंड हाफ रिएक्शन भी बैलेंस हो गई. अब मैं क्या करता हूं, इसे टू से मल्टीप्लाई करता हूं और ऐड कर देता हूं. अब जब मैं इसे ऐड कर रहा हूं, दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, तो KClO3 प्लस वन KClO3, थ्री KClO3 प्लस, इधर एक H
पॉजिटिव इधर से कट गया, 2H पॉजिटिव 2 इंटू 2 4 और एक H पॉजिटिव आए तो 3H पॉजिटिव। KCl3 मैंने कंसिडर कर दिया, H पॉजिटिव कंसिडर कर दिया। वाटर मॉलिक्यूल्स एक H2O इधर 2H2O तो इधर एक H2O दिखेगा, ये वाटर भी कंसिडर कर लिया, ये सब कुछ चीज कंसिडर हो गई। अब इधर हो गया एक HClO4 प्लस ट्वाइस ClO2, ये भी लिख दिया मैंने, और 2K पॉजिटिव प्लस 3K पॉजिटिव। हमें इस तरह से यह रिएक्शन दिखने लगी। अब हमें रिएक्शन को इसके बाद अब सिर्फ देखकर बैलेंस कर देना है। HClO4 का कोएफिशिएंट दिखने लगा, ClO2 का कोएफिशिएंट दिखने लगा, H2O का कोएफिशिएंट दिखने लगा। इधर 3K पॉजिटिव है, इधर 3H पॉजिटिव है। K पॉजिटिव जो है वह KHSO4 के फॉर्म में है, H पॉजिटिव जो है वो H2SO4 के फॉर्म में। मैं रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इधर 3 बायसल्फेट आयन में इधर जोड़ता हूं और 3 बायसल्फेट आयन मैं इधर भी जोड़ देता हूं, 3HSO4 नेगेटिव आयन, और इस तरह से फाइनली यह रिएक्शन मुझे पूरी तरह से अब बैलेंस्ड दिखाई देने लगी है। 28 KClO3 प्लस 28 H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव मींस 28 H2SO4 gives you HClO4 plus twice ClO2 plus twice KHSO4 plus H2O. In this manner, the complete reaction is balanced. इसके बाद मैं वह reaction balance करूंगा जो आप लोग कहेंगे, जो आपको डिफिकल्ट लगी है। हाँ जी, कौन से रिएक्शन? देख लीजिए, सिक्स्थ रिएक्शन बैलेंस करने की डिमांड आई है, इसे मैं बैलेंस करता हूं। इसमें कहीं कोई डाउट तो नहीं है, एक बार देख लो। सिक्स्थ रिएक्शन इज H2S प्लस Cr2O7 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव गिविंग यू Cr2O3 प्लस S8 प्लस H2O। सिक्स्थ रिएक्शन को कौन से मेथड से बैलेंस करवाना चाहोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से? आप किस मेथड से बैलेंस करने का प्रयास कर रहे थे, मैं उसी मेथड से करता हूं। किस मेथड से करूं? आयन इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीडेशन स्टेट? ऑक्सीडेशन स्टेट से करता हूं, ठीक है। दिस इज द रिएक्शन H2S प्लस Cr2O7 नेगेटिव प्लस H प्लस गिविंग यू Cr2O3 प्लस S8 प्लस H2O। हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, एंड बैलेंस इट आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। मुझे बिल्कुल साफ साफ दिखता है कि H2S का सल्फर -2 से 0 पर जा रहा है और Cr2O7 का क्रोमियम +6 से +3 पर जा रहा है। मैं कलर चेंज के साथ देखता हूं, H2S का सल्फर -2 से 0 पर जा रहा है और क्रोमियम का Cr2
नेगेटिव का क्रोमियम प्लस 6 से प्लस 3 पर जा रहा है। मैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करने के लिए पूरा H2S लिखूंगा। मैंने सिर्फ यह देख लिया है कि H2S ऑक्सीजन और लिखते समय मैं पूरा H2S गिविंग यू S8 अंडर स्क्रिप्ट के साथ लिखूंगा S8 और दूसरी रिएक्शन में Cr2O7 2 नेगेटिव गिविंग यू Cr2O3। अब इन दोनों हाफ रिएक्शन को बैलेंस करते सबसे पहले पहली रिएक्शन H2S गिविंग यू S8। इधर S8 है 8 सल्फर है तो इधर 8 सल्फर होना जरूरी है। 8H2S कर दिया। अब 8H2S इधर मैं 16 H प्लस डाल देता हूं क्योंकि 16 हाइड्रोजन वहां पर दिख रहा है मुझको रिएक्टेन साइड और उन हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 16 H प्लस मैं ऐसा कैसे इधर डाल देता हूं। अब चार्ज बैलेंस करता हूं इधर नेट चार्ज जीरो है जीरो इधर 16 पॉजिटिव चार्ज है तो 16 इलेक्ट्रॉन इधर डाल देने होंगे। अब Cr2O7 गिविंग यू Cr2O3 Cr2O7 2 नेगेटिव गिविंग यू Cr2O3। क्रोमियम तो बराबर है Cr2 इधर 3 ऑक्सीजन है इधर 7 ऑक्सीजन है। इस जगह पर मुझे 4 ऑक्सीजन ज्यादा दिख रहे हैं। इन 4 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैं 8H प्लस डालूंगा। 8H प्लस 4 ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करके 4H2। अब चार्ज बैलेंस करना है इधर 0 चार्ज है जबकि इधर 8 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव 6 पॉजिटिव चार्ज है। 6 पॉजिटिव चार्ज के लिए मैं इधर 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देता हूं। इस तरह से यह हाफ रिएक्शन बैलेंस होगी। अब मैं इन दोनों रिएक्शन को ऐड करूंगा और इन्हें ऐड करते समय इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करूंगा। इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करने के लिए जस्ट फैक्टर से मुझे मल्टीप्लाई करना चाहिए। पहली रिएक्शन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 48 इलेक्ट्रॉन और दूसरे रिएक्शन को मैं 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 48 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से 48 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। 8 × 3 = 24 H2S प्लस 8 Cr2O7 2 नेगेटिव। अब H पॉजिटिव को मैं गिन लेता हूं 8 × 8 64 है इधर और इधर 16 × 3 48 है। 64 माइनस 48 16 H पॉजिटिव गिविंग यू 3S8 प्लस 8 Cr2O3 प्लस 32H2O। इन दिस मैनर द कंप्लीट रिएक्शन इज बैलेंस्ड। बड़े ध्यान से देखें किस तरह से रिएक्शन को बैलेंस करा गया है। एनी अनदर रिएक्शन विच यू वुड लाइक मी टू बैलेंस